और देखते हैं वड़ा पाव की रेसिपी की मैं वड़ा पाव कैसा बनाती हूँ। तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है वड़ा पाव, अब मेरा मन किया कि मैं भी अपनी फैमिली को वड़ा पाव बना के खिलाऊं, तो आपकी रेसिपी चलते देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब को ऑन करें और वहां पर सर्च करें क्रिएटिव माइंड 79। हाँ जी, क्रिएटिव माइंड 79। और सब्सक्राइब के बटन को ऑन करें, बेल आइकन को ऑल करें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँचे। और मेरी यूट्यूब फैमिली को दिल से थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। जो नए लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले हम वड़ा पाव की चटनी तैयार करेंगे। लहसुन की कलियां और ये हरी मिर्च और नमक। तो मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। तो गाइस, यहाँ तेल हो गया है गर्म। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच मस्टर्ड दाना। तो बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब इसमें ऐड करेंगे चटनी। अरे वाह, इतनी प्यारी खुशबू इसके अंदर से आ रही है गाइस। तो यहाँ 1 मिनट चटनी को पकाने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो 2 बड़े साइज के आलू मैंने उबाल लिए थे और उनको मैंने मैश करके रखा हुआ था और फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अच्छे से अलटते पलटते हुए आप मसाले के अंदर आलू को मिक्स कर दीजिए। तो ये वड़ा का हमारा स्टफिंग बनकर हो गया है तैयार। तो आइए हम इसे अलग से एक बर्तन में निकाल कर साइड में रख देते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर हो गई है तैयार। तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देते, फिर हम इसके पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। अब मैंने ले लिया है बेसन। बेसन में मैंने ऐड किया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ठीक है, नहीं तो आपकी अपनी इच्छा। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच हल्दी और नमक ले लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमारा गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए ताकि जब हम उसके अंदर स्टफिंग के पेड़े डालें तो उसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आए। बहुत पतला हमने बैटर नहीं रखना, इस तरीके से हमारा बैटर होना चाहिए गाढ़ा गाढ़ा। तो लीजिए, हमारा बैटर भी बनकर हो गया तैयार। और साइड में मैंने स्टफिंग ठंडी हो गई थी तो उसके पेड़े भी कर लिए तैयार। अब हम इनको एक एक करके या जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसके बैटर के अंदर डिप कीजिए और अच्छे से इसके ऊपर बेसन की कोटिंग कर दीजिए। हल्की आंच पे आपने वड़े बनाकर तैयार करने हैं और एक साइड से जब सिक जाए तब आपने पलटना है। तो बहुत ही सुंदर सा सुनहरा कलर आने के लिए हमने तैयार करने हैं वड़े। हमने बहुत ज्यादा उनको नहीं पकाना है। तो यहाँ पर हमारे वड़े बनकर भी हो गए हैं तैयार। वड़े बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे गाइस, अगर आप इस तरीके से घर के अंदर वड़े बनाकर तैयार करते हैं। तो वड़े भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर इनके अंदर आया है। और इनको भी मैंने एक साइड में अब रख दिया है। अब हम तैयार करेंगे अपना मूंगफली का मसाला। तो मूंगफली को आप पहले रोस्ट कर लीजिए। अगर आप पहले से ही भुनी हुई मूंगफली लेकर आते हैं तो और अच्छा है। ये मेरे पास कच्ची मूंगफली थी इसलिए मैंने इनको रोस्ट किया। और रोस्ट करने के बाद आप इन्हें छील लीजिए। मैं और मेरा बेटा छीलने में लगे हुए थे तो वो अक्सर मेरे साथ मेरे किचन में मेरी बहुत हेल्प कराता है। तो इसी तरीके से वो मूंगफली छील रहा था और फिर हम उसको छीलने के बाद मैंने मिक्सी के जार में 2 कलियां लहसुन की डाल के नमक डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए हमने ये मसाला बनाने के लिए तैयार करनी होती है।
ताकि हमारे मसाले में आए एक कलर रेडिश। तो लीजिए हमारा मसाला भी हो गया बनकर तैयार। अब हम पाव सेकेंगे। अब हम पाव को बटर लगाकर सेक लेंगे। तो आप इस तरीके से कट लगा लीजिए और अंदर और बाहर दोनों तरफ बटर लगाकर आप हल्की आंच पर पाव को सेकिए। यहाँ पर भी आंच आप बिल्कुल हल्की रखिएगा, तवा बहुत ज्यादा गर्म ना हो, हल्की आंच पर सेकिए। देखिए पलटकर देखने पर बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है। तो आइए हम बड़ा पाव की प्लेटिंग तैयार करते हैं, जिसमें मैंने रखी है हरी मिर्च फ्राई करके और नींबू भी साइड में रखा है, हरी मिर्च के ऊपर डाल सकते हैं आप, और टमाटो सॉस और ग्रीन चटनी भी मैंने इसके अंदर रख दी है। ग्रीन चिल्ली की जो रेडीमेड चटनी होती है वो मैंने लगाकर उसके ऊपर मैंने डाला है मूंगफली वाला मसाला। एक पाव वड़ा हमने इसके अंदर लगा दिया है। आप इसके अंदर मिर्ची लगाकर खाएं या बाद में खाएं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप खा सकते हैं। तो वड़ा पाव बनकर तैयार हो गया और अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मैंने धन्यवाद करके प्रभु येसु मसीह का, और सबसे पहले मैंने बाइट ली वड़ा पाव की, तो बहुत ही टेस्टी बनकर हुआ तैयार। और फिर घर में सबने ट्राई किया, सबको बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आप अपनी फैमिली को वड़ा पाव बनाकर घर में खिलाएं, बहुत ही बढ़िया लगता है, हैवी लगता है, हैवी ब्रेकफास्ट है। इस तरीके से आप घर में अपनी फैमिली को वड़ा पाव बना के खिलाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो आप बिना स्किप करें वीडियो देखें और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।